तो भाई लोग सोनी के आने वाली मच अवेटेड मूवी वेनम 3 द लास्ट डांस रिलीज हो चुकी है 24 अक्टूबर को और फाइनली मैंने भी देख लिया है। हाँ पता है मैं लेट हूँ रिव्यू के लिए, पर क्या करूँ भाई, अभी टाइम मिला देखने का। और हाँ आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा इस फिल्म को, तो भाई इस वीडियो में पूरा स्पॉइलर रहेगा इस मूवी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु वेनम का नाम लेकर। अब देखो भाई, हमें जो इस फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिला था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन आ रहा है, यानी कि नल, जो फादर है इन सिम्बायोट का, जिसे सुनने के बाद तो भाई इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी गई थी। और ये वेनम मूवी का लास्ट पार्ट है तो और भी ज्यादा हाइप था इस मूवी का कि भाई अब हमें कभी वेनम देखने को नहीं मिलेगा, या यूं कहे कि हमें कभी भी वेनम का स्टैंड अलोन फिल्म देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भाई जैसे ही मैंने इस फिल्म को देखा, तो सही बताओ तो भाई इस फिल्म ने ऑडियंस का सबसे बड़ा वाला काटा, जैसे कि आपका जीएफ और आपका क्रश आपका काट के चली जाती है। लेकिन भाई क्रश और जीएफ का तो सहन भी कर लेते, पर वेनम का कैसे सहन करे। लिटरली भाई इस फिल्म का विलन यानी कि नल का हमें सिर्फ 3 मिनट का मुंह दिखाई करवा के ही इसको फिल्म से हटा दिया जाता है, जिसमें हमें विलन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है और बताया जाता है कि वो वेनम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। बस इसके बाद इसका कोई नामो निशान नहीं है इस फिल्म में। सही मायने में कहा जाए तो इस फिल्म में कोई विलन ही नहीं है। नल कुछ कॉकरोच जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स को भेजता है वेनम को पकड़कर लाने के लिए, क्योंकि वेनम और एडिट दोनों एक कोडेक्स है जिसे हमें चाबी की तरह से समझाया गया है, और इसी कोडेक्स के चलते नल जेल से आजाद हो सकता है। तो फिर नल के भेजे हुए क्रिएचर्स वेनम के पीछे पड़ जाते हैं, और इसमें भी इनका एक कंडीशन है कि जब तक वेनम अपने फुल फॉर्म अवतार में नहीं आएगा तब तक ये क्रिएचर्स इन्हें देख नहीं सकते, और जब तक कोई इंसान इन क्रिएचर्स से न उलझे तब तक ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब व्हाट द फक डूड, तुम लोग क्रिएचर्स हो यार, तो भाई थोड़ा चीरफाड़ करो ना इस इंसानों का, क्या शाकाहारी बनकर बैठे हो बे। अब वेनम और इडी कैसे इस भसड़ से निकलते हैं और क्या वेनम और इडी साथ में रह पाते हैं या नहीं, वो आपको इस फिल्म को देखने पर ही पता चलेगा। अब देखो भाई लोग, फिल्म अच्छी है पर जो स्टोरी है वो और भी अच्छी हो सकती थी। फिल्म में हमें वेनम और इडी के बीच का केमिस्ट्री देखने को मिलता है जो हमेशा की तरह ही काफी अच्छा था, यानी कि पति पत्नी की तरह ही दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन मुसीबत आने पर दोनों एक दूसरे का साथ भी देते थे। फिल्म में हमें कई सारे वेनम भी देखने को मिलता है जो काफी जबरदस्त था। फिल्म के क्लाइमेक्स वाला जो एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है भाई, वो काफी जबरदस्त था, जहाँ पर भाई आपको थोड़ा सा सैड फील भी होता है कि अब हमें वेनम देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भाई इसमें हमें क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, तो हाँ लास्ट तक बैठे रहना नहीं तो आप मिस कर दोगे। बाकी भाई इस फिल्म को मैं इसके दोनों पार्ट से नीचे ही रखना चाहूंगा। हाँ ये फिल्म हमें मजा प्रोवाइड करता है, मगर आपको रियलाइज भी होता है कि ये भी एक नॉर्मली सुपर हीरो टाइप की मूवी है जो हम रोज देख ही लेते हैं। बाकी हाँ इसका एंडिंग मुझे थोड़ा सा सैड फील करवा देता है और कई सारे सवाल भी छोड़कर चला जाता है कि अब क्या होगा, नल अगर कभी वापस आएगा तो उसे कौन रोकेगा, क्योंकि सोनी यूनिवर्स में मुझे सिर्फ वेनम में ही दम दिख रहा था। घोड़े को बिना मारे हवा की रफ्तार से दौड़ा सकते हो, मैं इसे हवा हवाई बना दूंगा। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि बड़ी तुम हमेशा हमारे दिल में ही रहोगे। बाकी भाई आप लोगों को कैसा लगा ये फिल्म, हमें अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही फिल्मों के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।